कर्म ही सफलता की कुंजी है। यदि आपका कर्म सही होगा तो आपकी सफलता भी अवश्य मिलेगी। अगर कर्म नहीं होगा तो आप चाह कर भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ये आपको पता है कि 24 घंटा में अपने सक्सेस के लिए आप कितना टाइम दे रहे हैं। और इसी क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 चैनल पर, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और एक बात, इसका पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज कवर करने वाले हम लोग 24 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। उसके पहले बोल दूं, कल रात को 10 बजे यानी रीजनिंग का सेट 2 आपका मैंने करवाया था, यानी 2 सेट आपका एनटीपीसी का हो गया है। आप देख लेना, आपकी तैयारी जज कर लेना कि आप दोनों सेट में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है रोज अपने आप को जज करने का, ठीक है। और तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, आपको बताना है कि महिला कर्मियों के लिए निकाय रक्षक का भारत का पहला प्रोटोटाइप किस सशस्त्र पुलिस बल द्वारा बनाया गया है। अब ये है क्या, थोड़ा मैं आप सभी को पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूं। देखो, एक ऐसा आप बोल सकते हो जैकेट बनाया गया है प्रोटोटाइप, जिसमें और वो 6 किलो का होगा, ठीक है, और खास कर महिलाओं के लिए बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया पहले वो सुन लो। तो ये बनाया गया है आपका CRPF के द्वारा, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा, केंद्र रिजर्व पुलिस बल के द्वारा, ठीक है। और ये खास कर महिलाओं के लिए बनाया गया है। मान लो कहीं पर भी राइट छिड़ जाता है, या फिर मान लो कहीं भी दंगे होते हैं ना, तो वहां पर महिला जो है ये पहन सकती है। और यहाँ इस पर अगर महिला पर कोई अटैक होता है तो उसका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। एक टाइप का जैकेट बोल सकते हो जो लॉन्च किया गया है महिलाओं के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा। और CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो है आपका राजीव राय भटनागर। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा है बहुत बार कि CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, राजीव राय भटनागर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी टोल प्लाजा, जितने भी देखते हैं ना टोल प्लाजा होता है हाईवे पर, उसको कितने तारीख से जो है हर अब जितने भी टोल प्लाजा है वहां पर फास्ट टैग लाइन मिलेगा आपको लगा हुआ, बनाने का निर्णय लिया गया है सेंट्रल सरकार के द्वारा। अब पहले आप ये सुन लो, ये फास्ट टैग लाइन है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। आप जाते होंगे कभी भी, अगर हाईवे पे आपने अगर यात्रा की है तो आपने देखा होगा टोल टैक्स पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लंबी गाड़ी की लाइन लगी रहती है। इस सब चीज़ से बचने के लिए अब आपके जो कार है, गाड़ी है, उस पर एक फास्ट टैग जो है वो लगाया जाएगा, जिसके सहायता से सेंसर जो है वो पकड़ लेगा कि आपके गाड़ी में कितना चलान काटना है, क्या करना है, वो सेंसर लगा रहेगा हर टोल टैक्स पर, और वो टैग लगा रहेगा आपका गाड़ी पर, वो रीड करेगा ऊपर से, ठीक है, और जितना भी चलान है वो ऑटोमेटिक जो है आपका बैंक से कट जाएगा। ये पूरा जो है वो निर्णय लिया गया है कि 1 दिसंबर 2019 से जो है वो लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस राज्य में 2 ब्रिज का उद्घाटन किया है। उस 2 ब्रिज का नाम क्या, पहले नाम सुन लो। पहला ब्रिज है आपका उजह और दूसरा है आपका बसंतर, ठीक है। ये 2 ब्रिज का जो है वो उद्घाटन किया गया है कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नर है वो कौन है, वो है आपका सत्यपाल मलिक। और एक बात, जो ये उजह ब्रिज है वो 100 मीटर लंबी होगी, और ये जो बसंतर ब्रिज है ना ये आपका 617.40 मीटर लंबी होगी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। इंडिया का पहला स्पेस टेक पार्क जो है वो कहां पर खोला गया है, तो ये खोला गया है आपका केरला में, याद रखिएगा कहां पर, केरला में। और केरला के जो कैपिटल है वो क्या है, तिरुवनंतपुरम, गवर्नर पी सत्तासिवम, और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनाराई विजयन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में आदित्य बिरला पेमेंट्स बैंक ने अपने परिचालन को बंद कर दिया है, ठीक है, कौन बंद किया है, तो आदित्य बिरला पेमेंट बैंक। आपको बताना है जो ये आदित्य पेमेंट बिरला बैंक खुला था उसमें आदित्य बिरला नवो और किसका
हिस्सेदारी था किसके बीच में जो है वो डील साइन हुआ था। तो ये था आपका, एक था आदित्य बिरला नुओ और दूसरा था आपका आइडिया। इसमें इस आदित्य बिरला पेमेंट बैंक में ना 51% जो शेयर था, हिस्सेदारी था, वो था आपका आदित्य बिरला का, और बाकी जो 49% था वो किसका था, तो वो था आपका आइडिया का। ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत ने उसे अस्वीकार कर दिया है जो निम्न नेता के दावे के बीच की पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर मुद्दे में जो है मध्यस्थ बनने के लिए कहा था। मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन ये बोल रहा है, अभी आप न्यूज देख रहे होंगे ना, तो हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने दावा किया था ना कि हमारे देश के पीएम ने और उनसे मदद मांगी थी कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए, ठीक है, वो बीच में आए और वो मीडिएटर बनकर जो है वो हेल्प करे ताकि कश्मीर मुद्दा जो है वो सॉल्व हो सके। लेकिन इनके दावे को जो है वो भारत ने अस्वीकार कर दिया है। और वो कहां के ये हैं पीएम, तो अमेरिका के, अमेरिका में कौन सा मुद्रा इस्तेमाल होता है, तो डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है वहां के, बता ही चुका डोनाल्ड ट्रंप। और कैपिटल क्या है, तो वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित देशों में से किसने एक और महीने के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है, यानी इमरजेंसी एक महीने के लिए और लगा दिया है किस देश में। और आप सभी को पता है श्रीलंका में अभी बहुत सारा आतंकवादी अटैक हो रहा है, इसको लेकर जो है वो एक साल के लिए और आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। करेंसी क्या है श्रीलंका का, तो श्रीलंकन रूपी। कैपिटल श्री जयवर्धने पूरे कोटे। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है, तो रानिल विक्रम सिंघे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन यानी CTTF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो चेयरमैन बना दिया गया है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन का, उनका नाम है आपका विवेक कोहली। अब आप कोहली से भी याद रखिएगा, अगर आपको ट्रिक याद रखना है तो, अगर एग्जाम में पूछ दे कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के चेयरमैन कौन है, तो याद रखिएगा विराट कोहली टेबल टेनिस में आ गया है, ऐसे आपको याद रखना है, तो उनका नाम क्या है, विवेक कोहली, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है अस्ताना कजाकिस्तान में फाइनल में वॉक ओवर पाने के बाद राष्ट्रपति कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं, ये बताना है, और ये पहले इंडियन है, तो इस लिहाज से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उनका नाम क्या है, सीप थापा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आपको बताना है युकिया अमानो का हाल ही में निधन हो गया है, वह कहाँ के डायरेक्टर जनरल थे, ये आपको बताना है कॉमेंट करके आपको ये बताना है कि पहले ये बता दो ये कहाँ के डायरेक्टर जनरल थे, तो ये थे आपके IAEA का यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है आपका वियना ऑस्ट्रिया में। और एक बात, आज का आपका पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का अभी हाल फिलहाल में डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आपको कमेंट कर बताना है, ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत में हर साल जो है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हम कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है आपका 23 जुलाई को। अगला प्रश्न हमारे सामने है पाई अप्रोक्सिमेशन डे यानी पाई अनुमोदन दिवस हर साल हम दुनिया भर में कब मनाते हैं, और ये मनाया जाता है आपका 22 जुलाई को। इसीलिए जो पाई का मान है वो कितना होता है, 22/7। सभी को पता है मैथ क्लास अगर फॉलो कर रहे हैं शाम को 4 बजे वाला, तो इतना तो पता ही होगा पाई का मान कितना होता है, 22/7। इसीलिए पाई अप्रोक्सिमेशन डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 22 जुलाई को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट लॉन्च किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2019 में, आपको बताना है उस बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है, तो उस बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है, याद रखिएगा भाभा कवच। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 24 जुलाई के, पूरा का पूरा PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम से लिंक दे दिया हूँ, हालांकि सक्सेस की 98.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।